दो मिनट टाइम दीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि 4 बजे टाइमिंग था बक्सा सील करने का, उसको अभी तक क्यों नहीं किया गया? किया गया कि डेट बढ़ा दिया गया है। स्टेटमेंट दीजिए, रेट करो 10 तारीख तक। अभी पहले सर 4 बजे सील करने का टाइमिंग था बक्सा, 4:44 हो गया है, अभी तक बक्सा सील नहीं किया गया। नहीं हुआ, इसका क्या मकसद? मालूम हुआ कि जो है जो पेपर वगैरह का वो हो रहा था की, तो बोले कि जो ही चाहिए सोमवार को आप लोग आइए, वो जो है दे देते हैं, और इसको बढ़ा करके 10 तारीख तक कर दिए हैं, 12 तारीख जमा करने का, 13 तारीख को खोलने का। उसके बाद भी यदि किसी तरह का विवाद होता है तो जिला प्रशासन के सामने हम ले जाएंगे, और उसके बाद जो निर्णय होगा मान। अच्छा, टाइम ऑफ होने के बाद ये चीज नहीं होता है सर? 4:44 सील नहीं है सर। जैसे पहला यही मुद्दा, मुद्दा ये सुनो ना, मुद्दा ये है सर कि सर जैसे मान लीजिए कि बीओक्यू बिकने का जो डेट है उसके बाद सर उसको प्रेस किया जाता है सर कि इतने नंबर बीओक्यू हमारा बिका फलाना, वो जो रजिस्टर पर आप लोग लिखते होंगे। जब हम सर मान लिये की बीओक्यू का था तो जैसे जो है इतना संवेदक लिया बिल्कुल वो सील है रजिस्टर, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, सील नहीं सर, वो दिखाना होता है सर, वो दिखाना होता है। जानकारी होना चाहिए बीओक्यू बेचने के लिए, आपने सीमित बेचा और ठीक है, आप व्यस्त कार्यक्रम आपका रहता है, तो आप यहाँ टेक्निकल जेई आपके यहाँ है ना विभाग में, आप जेई क्यों नहीं रिपोर्ट किए यहाँ? यही तो आपको डिपुट करना चाहिए ना, कि यहाँ बिना टेक्निकल हैंड के नहीं होता। पेपर तैयार करके हुआ है, ठीक है, आपको संतुष्ट हो गए इसलिए जब सुने कि इस तरह से बवाल मच रहा है कि वो चाहिए तो सोमवार को दे दे। बवाल कोई संवेदक नहीं किया सर, बवाल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका स्टाफ लोग करवाए हैं, जबकि आपका 4 बजे ऑफिस जब ऑफ होने का उसके बाद आप कैंसिलेशन निकालिएगा सर। हो गया 5 बजे हमारा मीटिंग, हम आरभ सीरियस मीटिंग। मुर्दाबाद बंद करो नहीं चलेगी। हाय 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 करो, काम देना बंद करो। एक्टिव है तो आपको हम उस दिन भी आपसे बोले तो आप बोले कि हमको कोई जानकारी। देखिए 1726 से आप निकाले हैं, उसको कैंसिल किए, फिर आप 1740 कर रहे हैं, 1736 कर रहे हैं, 1730 टर्म कंडीशन इसका क्या जरूरत है? उसके बाद एंटीमेल दे दिए, 1380 रुपए आपका यही है तो हम दिया गया है एस्टिमेट देख रहे हैं, हमारा नुकसान ना होगा मान ली। ठीक है, टेंडर की प्रक्रिया जो निकाला गया है, जो टेंडर निकाला गया निविदा, ये वेग है, गलत तरीके से इसको निकाला गया। पहला है कि इसमें गलत इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो हम लोगों को अखबार के माध्यम से 726 के द्वारा निकाला गया उसको निरस्त किया, फिर 740 उनका जो पत्रांक दिनांक है एनआईटी
1740 के 23-24 निकाला गया, और हम लोगों को जो एनआईटी जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो 1726 का है। ये देख लीजिए, ये इनके द्वारा निर्गत किया गया बीओक्यू है, प्राकलन है, जबकि टेंडर निविदा टेंडर प्रक्रिया में बीओक्यू होता है, उसकी बीओक्यू है और उसमें जीएसटी है 18%, 1% लेबर सेस रहता है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया गया है। इसलिए हम लोग इस निविदा को ही बहिष्कार कर रहे हैं और इसको रद्द करने का मांग, और हम लोगों के द्वारा जो जमा किया गया जो डीडी है परिमाण विपत्र मूल्य, उसको वापस हम लोग करने का मांग डीओ साहब से कर रहे हैं। हम लोग आवेदन भी दिए हैं जो कि रिसीव भी कराया गया है कार्यालय में, और सक्षम पदाधिकारी से इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम लोग, और साथ साथ ही जो एस्टीमेट है एस्टीमेट में सक्षम पदाधिकारी का टीएस भी नहीं है, तकनीकी स्वीकृति भी नहीं दिया गया है। तो ये एस्टीमेट जो दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि इसमें होना चाहिए बीओक्यू। इसके लिए हम इनको दिखला रहे हैं कि बीओक्यू कैसा रहता है। देखिए जी, वो क्यू रहता है जो कि और भी जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद, आरईओ, एनआरईपी वगैरह में ये बीओक्यू में इस तरह का ये रहता है दिया हुआ कि इसमें सीधे परिमाण विपत्र और इसमें एड 18% जीएसटी, उसमें है एड 1% लेबर सेस, उसके बाद ये टोटल चीज जोड़ करके ये निविदा निकाला जाता है, और इसमें सीधा सीधी ये केवल एस्टीमेट दे करके हम लोगों को एस्टीमेट की कॉपी दिया जा रहा है, जिसमें कि ये भी है कि प्राकलन में देखिए कि क्या करना है, ये बाद की बात प्रक्रिया है, लेकिन अभी से ही ये सारा चीज हम लोगों को दिया जा रहा है बीओक्यू में। ये एक ड्राइंग है कि क्या करना है, और ये एस्टीमेट का सारा कॉपी ये हम लोगों को दिया जा रहा है। एस्टीमेट में कहीं केवल असिस्टेंट इंजीनियर का साइन है, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर का साइन नहीं है, और सक्षम जो इनके लिए जो मैंने करने वाले हैं एसी साहब के स्तर का ये योजना है जिसको कि इनको मैंने ये टीएस कराना चाहिए, वो भी टीएस इसमें अभी तक नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने जो ये लग रहा है कि ये घोलमाल है, सब हम बेरोजगार संवेदक लोगों का पैसा लेकर के एफडी डीडी के रूप में लेकर के इन लोगों को परेशान करने की साजिश है विभाग का। तो इसलिए हम लोग इस टेंडर का बहिष्कार कर रहे हैं, और हम लोग मांग कर रहे हैं डीओ साहब से कि हम लोगों के द्वारा जो भी मैंने डीडी दिया गया है बीओक्यू का कॉस्ट, वो हम लोगों को वापस किया जाए।